जो सिर में कारखानों में काम कर रहे हैं, जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, जो सिर में फिक्स्टर में काम कर रहे हैं, जो आपकी कौशल उन्नयन योजनाओं में काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग अप्रेंटिस के नाम पे काम कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी में काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू, जितने भी आउटसोर्स पे जो काम करवा रहे हो आप सरकारी विभागों का, इन सब का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना करो मोदी साहब। सभी तरीके के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज 26,000 रुपये महीना क्यों होना चाहिए? उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, क्या फार्मूला है? हमारा वर्तमान और भविष्य कैसा होगा, ये सब पैसे से तय होता है। और मजदूर के पास, श्रमिक के पास जो श्रम करता है, जो मजदूरी करता है, उससे जो पैसा मिलता है, उसी पैसे से उसके बच्चों का भविष्य तय होता है। अब हम इसके फार्मूले की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, हमारे देश के अंदर जो 15वां श्रम सम्मेलन हुआ था 1956 में, उसके अंदर न्यूनतम वेतन के फार्मूले को बनाया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि परिवार की गणना कैसे की जाएगी। परिवार के 3 यूनिट लिए गए थे। 3 यूनिट का मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे, बच्चे आधा यूनिट होते हैं। इसके अंदर माता पिता को नहीं जोड़ा गया था। तो ये 3 यूनिट के लोगों का परिवार कहलाएगा। उसके अलावा इनको मिनिमम जिंदा रहने के लिए कम से कम 2700 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, यानी इतना भोजन उनको मिले कम से कम कि उनके शरीर के अंदर 2700 कैलोरी ऊर्जा जाए। तो इसके अंदर जो खाने पीने की सारी वस्तुएं हैं उसकी एक बास्केट बनती है, और जो मिनिमम कम से कम जो चीज़ें होती हैं वो बास्केट में डाल करके इसका कैलकुलेशन बनाया जाता है। कपड़ा इसमें कहा गया था कि 72 गज, पहले गज चलता था, यानी एक व्यक्ति को 24 गज कपड़ा। तो कपड़े आज की तारीख में तो रेडीमेड आ रहे, इतने महंगे आ रहे, इसकी गणना नॉर्मल जो कपड़ा है, कपड़े की कीमत के आधार पर इसको करते हैं। अगला आवास, रहने के लिए मकान देंगे ऐसा नहीं बोला गया इसमें, मगर रहने के लिए सबसे छोटा EWS, सबसे छोटा जो गरीबों के लिए बनाए जाते, छोटे छोटे से घर बनाए जाते हैं, उसका किराया जो बनता है, उतने किराया को इस न्यूनतम वेतन के साथ में जोड़ा जाएगा, मिनिमम कम से कम। अन्य में जोड़ा गया था कि ईंधन और बिजली। अगला था कि शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, बुढ़ापा और शादियां, इसके लिए भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट इसके अंदर डालने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जो ऊपर के 3 चीज़ें मैंने बताई उसको जोड़ने के बाद जो न्यूनतम वेतन बनता है उसके अंदर 10% वृद्धि की जाएगी किराए के नाम से, यानी वो किराया हो गया। दूसरा ये था कि ईंधन और बिजली जो है, जो न्यूनतम वेतन बनेगा उसमें 20% वृद्धि की जाएगी ईंधन और बिजली के लिए। बाकी शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, बुढ़ापा, विवाह, ये सब खर्चों के लिए जो न्यूनतम वेतन बनेगा उसके अंदर 25% की वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस फार्मूले के साथ में न्यूनतम वेतन बनाने का फार्मूला 1956 में तय हुआ था, जिसके आधार पर हमारे देश में 1956 के बाद से न्यूनतम वेतन की गणना होती आई है। 2 तरीके से वेतन में वृद्धि होती है। एक महंगाई भत्ता बढ़ता है जो हर 6 महीने में आता है। दूसरा, वेतन का पुनः निर्धारण होता है या एग्रीमेंट होता है जो कम से कम सरकार को 5 साल के अंदर करना ही होता है। ये न्यूनतम वेतन अधिनियम की जो धारा है उसके आधार पर ये सरकार को करना जरूरी है। तो 2 तरीके से ये न्यूनतम वेतन बढ़ता है। C2 संगठन है, उन्होंने उसको और अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके और 26,000 कहा कि कम से कम 26,000 तो न्यूनतम वेतन होना ही चाहिए। तो 26,000 न्यूनतम वेतन इस फार्मूले से कैलकुलेशन करने के बाद बनता है जो सरकार को देना है। और इस न्यूनतम वेतन के फार्मूले से अभी आकुशल का
सबसे नीचे का वेतन 26,000 रुपये महीना होना है, मगर ये हमारी सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से न्यूनतम वेतन का रिवीजन होना था, 2019 में होना था, 2019 का भी 2024 में कर रहे हैं, 2024 का कब करेंगे पता नहीं, 2019 से 2024 के बीच का एरियस खा गए, एरियस नहीं दे रहे, जिसकी गणना लाखों में है। उसके पहले हमारा एक वीडियो है, उसको जरूर सुने, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नोटिफिकेशन में डाल देता हूं, एक बार आप उसको खोलकर सुनिए कितनी बड़ी लूट मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों की करवाई है, पूरा डिटेल्स जानकारी है उसके अंदर, उस वीडियो को जरूर सुने। एक बात और समझना है साथियों, ये फार्मूला जो बना था इससे हमारे देश के श्रमिकों का 1956 से लेकर के आज तक क्या फायदा हुआ, क्या ये श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बनाया गया था, इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इस बात को हमको समझना है। ये न्यूनतम वेतन है, सरकार की मंशा उस समय यह थी कि बहुत सारे कारखाने बहुत कम वेतन दे रहे थे, इसलिए सरकार की मंशा यह थी कि इससे कम नहीं देना है, इससे कम में आदमी जिंदा नहीं रह सकता, यदि जिंदा नहीं रह सकता उसको बराबर खाना नहीं मिलेगा, परिवार नहीं चलेगा, तो वह काम कैसे करेगा, उसका शरीर कैसे ठीक रहेगा। तो इसलिए ये मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आया था कि इससे कम नहीं देना है। मगर साथियों, हमारे देश की सरकारों ने और पूंजीपतियों ने इसका कैसे दुरुपयोग किया, धीरे धीरे करके एक तो मिनिमम वेज बहुत कम बढ़ाया, बहुत कम, ताकि केवल जिंदा रह सके, और सरकारों ने और पूंजीपतियों ने मिलकर इसी को वेतन मान लिया, इसी को अधिकतम वेतन मान लिया, न्यूनतम वेतन को भी अधिकतम वेतन मान लिया, और उसके बाद से पूरी सरकारें हर कारखानों के अंदर न्यूनतम वेतन मिले उसी के पालन के लिए कानून बनाई। न्यूनतम वेतन से ज्यादा वेतन मिलना है, इस तरीके का कोई कानून किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। जब न्यूनतम वेतन से ज्यादा पैसा मिलेगा तभी जाके श्रमिकों का न्यूनतम से ऊपर उनका विकास हो पाएगा। इसलिए जो परमानेंट नौकरी का कॉन्सेप्ट था सरकारी विभागों में, प्राइवेट कारखानों में जो परमानेंट श्रमिक थे, वो एग्रीमेंट करा करके, लड़के संघर्ष करके ट्रेड यूनियनों की ताकत से अपना वेतन बढ़ा लेते थे। इसलिए सरकारी कर्मचारियों का और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनका वेतन ठीक ठाक वेतन हो गया, उनका जीवन स्तर भी उठा। मगर जो आम श्रमिक है, छोटा श्रमिक है, उसके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद 1990 के बाद, 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीतियां आई, जिसमें सरकार ने पूरी तरीके से परमानेंट नौकरी को खत्म करने का ऐलान किया, सभी तरीके की सामाजिक सुरक्षाएं हटाने का ऐलान किया, और अभी हम देखते हैं कि धीरे 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 कमजोर करते करते लेके आए, और 2014 के बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, इस सरकार ने पूरी तरीके से परमानेंट नौकरी को खत्म कर दिया और उसका विकल्प फिक्स टर्म बना दिया। ये फिक्स टर्म कानून पहले 2004 में मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर के समय में आया था, जो मजदूर नेता है, इस मजदूर नेता ने ऐसा कानून बनाया कि पूरा देश का युवाओं को, मजदूरों को स्थायी नौकरी करने की जो बाध्यता थी कारखाने मालिकों की, उस बाध्यता को खत्म कर दिया। 2018 में नरेंद्र मोदी ने सेंटर में इस कानून को नोटिफाई किया, उसके बाद से पूरे देश में ये कानून लागू हो गया, और 2018 के बाद अब किसी भी कारखाने में स्थायी कर्मचारी रखने की कानूनी बाध्यता खत्म हो गई। तो अब ये चार संहिताएं भी लेके आए हैं, ये पूरी तरीके से श्रम कानूनों का खात्मा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने कर दिया है। 2014 के बाद
पूरी तरीके से सिंगल किसी भी कारखाने में कोई श्रमिक परमानेंट नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारे जो नए कारखाने खुल रहे हैं उसमें एक भी परमानेंट श्रमिक नहीं है। जो भी परमानेंट श्रमिक जिस कारखाने में बचे हैं उनका रिटायरमेंट होता जा रहा है और नए परमानेंट करना कारखाना मालिकों ने बंद कर दिया है। इससे क्या हुआ है, अब सारा श्रमिक न्यूनतम वेतन के दायरे में आ गए हैं। जितना न्यूनतम वेतन है उसी में उनको उतना ही वेतन मिल रहा है। डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चों को उच्च कुशल वाला न्यूनतम वेतन मिल रहा है। इसलिए कारखाने के अंदर सारे मैन पावर को न्यूनतम वेतन पे ला दिया है। पिछले 1956 से लेकर के आज तक श्रमिक हमेशा गरीब आदमी गरीब ही रहा है। गरीब क्यों रहा है, क्योंकि उसको जो पैसा मिलना था वो हमेशा न्यूनतम मिला है, न्यूनतम वेतन मिला है। उसकी कमाई से, उस श्रमिक की मेहनत की कमाई से पूंजीपति मालामाल हो गए, करोड़पति हो गए, खरबपति हो गए और बड़े खरबपति हो गए। बहुत बड़ा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और जब तक ये न्यूनतम वेतन उसको मिलता रहेगा उसके जीवन में कोई विकास नहीं होगा, उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी। वो अच्छा सा मकान नहीं बना सकता, वो अच्छी सी गाड़ी नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, डॉक्टर इंजीनियर तो बना ही नहीं सकता है इस न्यूनतम वेतन में। इस न्यूनतम वेतन में खाली वो जिंदा रह सकता है। इसलिए हमको समझना है साथियों, ये नीतिगत सवाल है। इस सरकार की नीति ऐसी है कि आम जनता श्रमिक अब हमेशा गरीब ही रहेंगे, न्यूनतम वेतन पर ही रहेंगे। अगले 100 साल 200 साल पूंजीपति मालामाल हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा लूट के विदेश में ले जाएंगे, अंबानी अडानी जैसे पता नहीं कितने पैदा हो जाएंगे, मगर इस नीति के कारण से श्रमिक करोड़ों करोड़ गरीब आम जनता गरीब ही रहेगी, क्योंकि उसको सिर्फ आमदनी में न्यूनतम वेतन ही मिलना है। जब तक श्रमिकों को, मेहनत कश वर्ग को, मजदूरों को, कर्मचारियों को वेतन में ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा तब तक उनका जीवन में जीवन स्तर नहीं बढ़ सकता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो। तो यदि श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या रास्ता है आज के तारीख में? पहला रास्ता है कि पूरे देश के मेहनत कश वर्ग को, अपनी समझ को विकसित करके इस न्यूनतम वेतन को कम से कम 26,000 रुपये महीना करना है आज के समय में। और जैसे ही महंगाई बढ़ेगी हर साल इसका अमाउंट बढ़ेगा। आज अभी हम 26,000 की बात कर रहे हैं, एक साल बात करेंगे तो ये अमाउंट 27,000-28,000 हो सकता है, क्योंकि महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए ये वेतन भी बढ़ाना पड़ेगा, पहला विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि जो सरकार ने स्थायी नौकरी का जो कानून खत्म कर दिया है फिक्स टर्म को ला करके, हमको सारे युवाओं को जागृत होकर के इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वापस स्थायी प्रवृत्ति के काम में स्थायी श्रमिक को लगाओ, स्थायी करो, स्थायी नौकरी दो, ताकि न्यूनतम वेतन से ऊपर का वेतन उनको मिल सके, ताकि उनका जीवन स्तर उठ सके। तीसरा विकल्प यह है साथियों, जो श्रम कानून इस नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म किए हैं उन श्रम कानूनों को वापस रिकवर कराना है। नौकरी की सुरक्षा कारखाना मालिक की जिम्मेदारी होगी। ट्रेड यूनियन हड़ताल का जो अधिकार है वो अधिकार हमारा, उसी से हम कुछ मांग ले पाते हैं मालिक से। ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार है, ये सारे अधिकार जो सरकार ने खत्म किए हैं, कमजोर किए हैं, इन सारे अधिकारों को हमको वापस संघर्ष के जरिए वापस छीनना पड़ेगा, तभी जाके मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के जीवन में कोई बदलाव आ सकता है।
इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे साथी अभी धर्म में पगलाए हुए हैं। हर आदमी मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में जाके माथा ठेंक रहे हैं। वो अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूजा पाठ हवन यज्ञ करा रहे हैं। पता नहीं कितने सारे बाबाओं, ढोंगी जो बाबा हैं, उनको गुरु बना करके उनको अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा दे रहे हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए व्रत रख रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ढोंगियों बाबा के पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत सारे जो धार्मिक कर्मकांड हैं, षड्यंत्र हैं, पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, वो कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आज ये सरकार हमारे देश की आम मेहनत कश को गलत रास्ते पे पहुंचा रही है, जबकि इस ये सब करने से आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये सब करने से कानून नहीं बदलेगी सरकार, या भगवान या बाबा ये सरकार का कानून नहीं बदलवा सकते, आपका न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ा सकते, आपको स्थायी नौकरी नहीं दिला सकते। तो इस बात को समझना है, धर्म हमारी आस्था का विषय है, ठीक है, मगर आस्था का विषय अलग है, उससे हमको संतुष्टि मिलती है। आस्था को और जीवन के लिए लगने वाले संसाधनों का जो संघर्ष है वो अलग अलग है। मंदिरों से ज्यादा रुपया आपको मिले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। आपको ज्यादा रुपया आपके श्रम से, आपके वेतन से, आपके संघर्षों से बढ़ेगा, और ये सरकारें बढ़ाएंगी, सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। तो ये चेतना जगाने का काम में सब लोग सहयोग करें। मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आप सारे तथ्यों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपसे निवेदन मेरा यह है कि जो मैंने नोटिफिकेशन में ये वीडियो डाला, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गड़बड़ की है उसको ज़रूर सुने। साथ में हमने एक ट्रेड यूनियन आंदोलन, अतीत वर्तमान और भविष्य की चुनौतियाँ, एक किताब लिखी है। वैसे हमारी 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, मगर ये ट्रेड यूनियन आंदोलन वाली जो किताब है, इस किताब के अंदर हमने विस्तारित सरकार के सारे षड्यंत्रों को लिखा है, किस तरीके से सरकार क्या क्या षड्यंत्र कर रही है, किस तरीके से क्या क्या कानून लेके आ रही है, किस तरीके से मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करके उसको अपना निरंतर गुलाम बनाकर रखने की कोशिश कर रही है। तो ये ट्रेड यूनियन आंदोलन जो किताब है उसको जरूर ऑर्डर करके बुला लें। मैंने स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप अपना पत्राचार का पता डाल सकते हैं और लिख सकते हैं कि हमें ट्रेड यूनियन आंदोलन वाली किताब चाहिए। उस पते पर हम आपको डाक से किताब भेज देंगे और फोन पे नंबर देंगे आपको, उस फोन पे नंबर पे आपको पैसा डालना है। वो इस किताब की कीमत केवल 70 रुपये है। आप एक किताब या दो किताब बुलाएंगे तो 20 रुपये डाक चार्ज अलग लगेगा, यानी 90 रुपये लगेगा। यदि आप 5 किताबें बुलाएंगे, 10 किताबें बुलाएंगे तो फिर डाक चार्ज नहीं लगेगा। और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जो भी यूनियन हैं, हर यूनियन अपने पहले पदाधिकारियों के लिए किताब खरीदे, उसके बाद से हर यूनियन के सदस्य के लिए किताब खरीदे, और ये हर सदस्य को किताब पढ़ने के लिए दे। ये 70 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में हमारे श्रमिक भाई 40 रुपये का राशरी खा रहे हैं, एक एक दिन में 100-150 रुपये का, कई लोग गुटखा खा जाते हैं। तो ये केवल 70 रुपये का किताब है, इस किताब को खरीद कर पढ़ें ताकि आप इस पूरे षड्यंत्र को अच्छी तरीके से समझ सकें। और बाकी हमारी किताबें हैं, 8 किताबें हैं, 8 किताब का पूरा सेट 480 रुपये का है। 480 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हम बहुत ही सस्ते दामों पे किताबें उपलब्ध करा रहे हैं। 8 किताबें मिलेंगी आपको 480 रुपये में, जिसमें पहली किताब का नाम है राजनीति, इसमें राजनीति से सारे जुड़े हुए पहलू हैं। दूसरी किताब का नाम है राज करने की नीति, इसके अंदर पूरा अर्थशास्त्र है, आर्थिक नीतियाँ हैं, कैसे दुनिया स्तर से देश को या श्रमिकों को लूटने का षड्यंत्र चल रहा है, राजसत्ता क्या क्या कर रही हैं। तीसरी किताब का नाम है विचारधाराएं। चौथी किताब है संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत,
ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर यूनियन को, पदाधिकारियों को इस किताब को पढ़ना चाहिए, उससे उनको समझ में आएगा कि संगठन कैसे चलाना है। पांचवी किताब है वैचारिक एकता का आधार। ये किताब हमने दुनिया की जो क्रांतियां हुई हैं, दुनिया में क्रांतियां कैसे हुई हैं, किस तरीके से, उसका क्या कारण है, क्रांतियों के समय परिस्थिति क्या थी, बहुत ही बेहतरीन किताब है। छठवीं किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ। हमारे देश की दो प्रमुख ताकतें हैं जिसमें गरीब है, मजदूर है, मेहनत का वर्ग है, एक बहुजन आंदोलन और एक वामपंथी आंदोलन। हमने दोनों की विचारधाराओं को समझाया है और दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की है कि दोनों विचारधाराओं में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों मिलकर के इस देश के अंदर एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सातवीं किताब है कृषि और किसान। हमारे किसान भाइयों की खेती पे जो हमले हो रहे हैं, खेती के सारे हमले के बारे में बहुत ही विस्तारित जानकारी है। किसानों को कौन कौन सी जानकारी चाहिए, नीतिगत न्यूनतम समर्थन मूल्य का कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत सारे कोई मुद्दे नहीं छूटे हैं जो उस किताब के अंदर नहीं है। वो आठवीं किताब का नाम है ट्रेड यूनियन आंदोलन, जो मैं आज आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर युवा पीढ़ी, जो हमारे नौजवान हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, इनको सबको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही कल के मजदूर, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। तो इनके जीवन में क्या क्या चुनौती आने वाली है, ये सरकार ने क्या क्या, इनको कितना पैसा मिलने वाला है, किस तरीके की नौकरी मिलने वाली है, ये सारा जानकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन की किताब में है। तो इस तरीके से आठ किताबें हैं हमारी, इन किताबों को भी खरीद करके आप अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। अंत में एक निवेदन और है कि जो युवा पीढ़ी के आज की तारीख में जो माता पिता हैं, वो माता पिता धर्म में बहुत ज़्यादा अंधे हो गए, बहुत ही अंधविश्वासी हो गए, उनके पास तक हमारी ये ट्रेड यूनियन वाली किताब कम से कम पहुँचाने में सहयोग कीजिए, ताकि उनके अंदर भी जो जो वर्तमान पीढ़ी है, जो वर्तमान के 40, 45, 50 साल के लोग हैं, जो आज की तारीख में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी इस पूरे षड्यंत्र का अच्छी तरीके से पता चल सके। तो ये साथी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके जीवन में काम आएगी, आपके जीवन में बहुत सारा इस समझ के बाद बदलाव आएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे फोल्डर हैं, एक गुलामी का फोल्डर है जिसमें मजदूरों से जुड़ी जानकारी है, एक ट्रेड यूनियन आंदोलन प्रशिक्षण का फोल्डर है जिसमें ट्रेड यूनियन का पूरा जानकारी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे फोल्डर हैं, उस जानकारी के वीडियो सुनें, खुद को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, आप सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।